हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। मैं कमलेश, आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड। एयरफोर्स ग्रुप सी को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट दोस्तों आपको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है दोस्तों आपके एक और एक बार फिर से आपको एक कैंडिडेट का इंटरव्यू करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों ये जो आपकी है वॉइस रिकॉर्डिंग, यानी हमने कॉल रिकॉर्डिंग की है, तो आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू विवेक भाई ने जो सब कुछ जानकारी दी है। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है जो हमने 2018 में विवेक भाई के अलावा जो रोहित भाई थे उनका इंटरव्यू करवाया था, तो उनमें जो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर भी देख लीजिएगा। और दोस्तों उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो ये दोस्तों कंप्लीट देख लोगे तो आपको सारी जानकारी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि लगातार आपके इनके रिगार्डिंग जो कि कमेंट आते रहते हैं, तो सभी क्वेश्चन उन विवेक भाई से पूछे गए। तो सबसे पहले विवेक भाई को थैंक यू सो मच। और आप भी सभी कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में आप जो इस प्रकार इस जो इतनी आपकी बेस्ट हेल्प की जा रही है तो उनको थैंक्स दोस्तों बनता है। तो सभी कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में थैंक्स बोल दीजिए और विवेक भाई को भी अच्छा लगेगा क्योंकि उन्होंने जो आपकी इस प्रकार से हेल्प की है। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे आप जो मुझे मैसेज करेंगे तो आपको जो सब कुछ जो कि इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई करता हूं, बेसिकली यही बात है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है और आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए स्पेशल जो आपके लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है दोस्तों, जो कि 60 प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, उसमें 8 नंबर प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपका जारी कर दिया गया है। टोटल मार्किंग अगर हम देखें तो दोस्तों 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग, टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे। सारी जानकारी दोस्तों आपको और ये जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जाकर दोस्तों वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए। आप जो यहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। इंस्टाग्राम पे काफी दोस्तों हमारे 350 के आसपास बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहां पे जुड़ जाइए और कॉमन डाउट जो आप अपने क्लियर वहां से कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैं स्टोरी लगा देता हूं। तो दोस्तों जुड़ जाइए और यहां से विवेक भाई से आप सब कुछ सुन लीजिए। और ये 2018 में फर्स्ट टाइम पे एग्जाम क्लियर किया था, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो और ओनली 2 सीट पे दोस्तों इन्होंने एग्जाम क्लियर किया था, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन था। और अब जो आपको क्या नई चीजें, सारी चीजें दोस्तों मैंने कमेंट जो कि उनसे किए, सारे क्वेश्चन पूछे जो आपके पूछे जाने वाले थे, जो आप लगातार पूछते हैं, उन सभी क्वेश्चन का रिप्लाई इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन रिक्वेस्ट इतनी होगी दोस्तों आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, अगर कुछ भी छोड़ दोगे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे तो आप ऐसे ही क्वेश्चन करते रह जाओगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। और इस वीडियो में आपको इतना सारा मोटिवेशन जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं, उस सारी चीजें जो कि आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को आपको स्टार्ट कर देता हूं। और जो इनके जो डॉक्यूमेंट है, जो इन्होंने क्वालिफाई किए, एडमिट कार्ड, वो सारी चीजें आपको मैं जो स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली हर एयरफोर्स ग्रुप सी की अपडेट। और 2018 में दोस्तों जो आपने रोहित भाई थे उनका इंटरव्यू करवाया था, उनका भी वीडियो देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों नाउ। हेलो हेलो विवेक है? हाँ हाँ। अच्छा, कल वो क्या हुआ था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो चालू थी लेकिन ये जो फोन वाली वॉइस थी ना वो ऑफ हो गई थी। ओहो। उस कारण, क्योंकि क्लियरिटी अगर नहीं देंगे कैंडिडेट को तो वो चीजें जो समझ में नहीं आएगी उनको। तो आप कैसे हो? हेलो हेलो, आप कैसे हो? हाँ सर, अभी ठीक बोले। अच्छा, तो मैं आपसे जैसे क्वेश्चन पूछूं वैसे स्टेप बाय स्टेप आप आंसर देते जाना। हाँ ठीक है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दो। हाँ सर, मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है, मैं कोलकाता का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। 2008 में मैं फर्स्ट टाइम गया था, एमटीएस सिविलियन का एग्जाम था, एयरफोर्स हेडक्वार्टर सुब्रतो मुखर्जी पार्क न्यू दिल्ली। तो वहाँ मैं फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्लियर कर लिया था, फिजिकल भी कर लिया था, लेकिन मैं मेडिकल तक नहीं पहुँचा क्योंकि वहाँ पे रिटन का मेरिट के बाद फिजिकल होता है, और फिजिकल का मेरिट और रिटन का मेरिट दोनों मिला करके मेडिकल के लिए कॉल किया जाता है, वहीं मेरा मार्क्स कम हो गया था। अच्छा, वो रहने दो, अब जो वाई स्टेप जो क्वेश्चन होते हैं ना उनका आंसर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सॉरी आपसे जो कि फिर से एक बार डिस्टर्ब किया जा रहा है आपको। कोई बात नहीं, बोलिए। तो सबसे पहले आप मुझे एडमिट कार्ड, पहले आप फॉर्म फिलअप किया था तो वहाँ पे भी कुछ डाउट है कि जो फॉर्म रिजेक्ट को लेकर,
देखिए फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बारे में इतना कह दूं, वो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में, वो डिपेंड करेगा उस ऑफिसर के बारे में जो वहाँ एक करता है और भरने वाले के ऊपर, भरने वाले ने किस तरीके से फॉर्म भरा है, किसी ने सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर नहीं करना छोड़ दिया, किसी ने फोटो लगाया ही है, या फिर किसी ने वो जो होता है कॉल लेटर वाली पर टिकट स्टैम्प टिकट नहीं मारा, या फिर किसी ने अपना सेल्फ एड्रेस भी ठीक से नहीं लिखा, वहाँ सब रिजेक्ट होगा। ये समझिए एक टाइप का स्किल टेस्टिंग है। ऑफिसर देखना चाहता है कि आपको डिफेंस की जॉब चाहिए तो क्या आप एक नॉर्मल प्रोसेस को पूरी कर सकते हैं कि नहीं, मतलब एक्टिव है या नहीं। हाँ एक्टिव है या नहीं, ये समझ लीजिए एक टाइप का आपका स्किल टेस्टिंग हो गया। अब जैसे कुछ लड़के हैं कि वो अपना डोमिसाइल की जगह डाल दिए आधार कार्ड, या फिर किसी ने सिग्नेचर नहीं किया, किसी ने फोटो नहीं डाला, तो जब आप एक एक्टिव ही नहीं है, एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह आप एक अपना प्रोसेस नहीं पूरा कर सकते, फिर आप क्या जॉब करोगे। एसएससी तो है नहीं कि आपको बार बार चांस देगी, अपडेट करो मॉडिफाई करो, तो ये इसमें एक बार ही होता है। इसमें एक बार ही होता है और एक्सेप्ट रिजेक्ट जो टिकट है उनका भी रिजेक्ट हो सकता है क्या, नहीं लगाइए क्या सर? स्टाफ टिकट है जो जिन्होंने नहीं लगाई है उनका रिजेक्ट। हाँ वो तो रिजेक्ट करेगा, स्टाम्प तो वहाँ लिखा रहता है बोल लेटर में कि 10 रुपए का स्टाम्प टिकट आपको मार के भेजना है, बोल लेटर वाले पर भी असम और मेन पे भी, और 2 फोटो जिन्होंने नहीं लगाई है। हाँ तो वो रिजेक्ट कर देंगे, वो लोग अपना प्रोसेस देखेंगे, जो प्रोसेस जो था उसको फुलफिल क्राइटेरिया है कि नहीं कैंडिडेट का, नहीं रहेगा वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, उनके पास कोई और ऑप्शन थोड़ी है। वहाँ तो हजारों फॉर्म आ रहे हैं डेली हजारों आ रहे हैं, वो लोग देखेंगे और ये करेंगे, प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। अच्छा तो बाई पोस्ट जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में कुछ बता दो। सर तो बाई पोस्ट आपका पोस्टमैन लेकर आएगा आपके घर पे एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले। जैसे मेरा एक कर्नाटका का एग्जाम था, कर्नाटका में था, 2017 में आया था, बीदर एयरफोर्स स्टेशन, 17 जून का एग्जाम था, तो मेरा 1 जून को घर पे पहुंच गया था। अच्छा मतलब उसी टाइम पे आपको एग्जाम का पता चलेगा। हाँ एग्जाम को उसी टाइम में पता चलेगा, आपको पहले नहीं पता चलेगा डेट पर चाहे कहीं पर भी। 15 दिन में आपको ऐसा मतलब तैयार होके पहले से ऑलरेडी मतलब रहना होगा। हाँ। और जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट हो जाने के 15 दिन बाद ठीक है प्रोफिशियल होगा, मतलब 10-15 दिन के गैप है। मतलब क्वेश्चन के बारे में क्या पैटर्न रहता है एग्जाम पैटर्न? देखिए इन लोग का अपना, ये लोग तो खुद ऑफिसर होते हैं, ये लोग तो CDS NDA वगैरह के स्टूडेंट रहते हैं, ये तो 10 मिनट में जाएंगे तो अपना पेपर तैयार कर लेंगे। SSC और रेलवे की तरह पेपर नहीं होता है कि रीजनिंग मैथ इतना रहेगा, रीजनिंग इतना रहेगा, इंग्लिश इतना रहेगा, वो लोग अपना मन से सेट करते हैं सब। फिक्स कुछ भी नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं, फिक्स कुछ भी नहीं। 50 क्वेश्चन रहेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनके हाथ में कैंडिडेट देख देखते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है, ज्यादा हुआ तो 3 से मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करके। एक सीट पे काफी कैंडिडेट आएंगे बहुत। अरे मैं उस टाइम 2 सीट था 2018 में, मैं 2 सीट पे मतलब मैं गया तो वहाँ केंद्रीय विद्यालय पहुंचा दिल्ली, तो वहाँ पे एक लाइन से लगा रहते HKS का, फिर MTS का, फिर LDC का, फिर स्टोर कीपर का, ऐसे लाइन लगा रहे थे ठीक है। तो मैं HKS का कैंडिडेट, HKS का कैंडिडेट खड़ा था लाइन में, मेरे पीछे करीब 100-150 लड़के थे और 2-3 शिफ्ट में एग्जाम चल रही थी, मतलब मान के चलिए कि एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम चल रही थी 3-4 दिन से, तो लोग 2 सीट के लिए मिनिमम 1000 लड़के को तो बुलाए होंगे, 1000-1500 मान लीजिए, और 21 लड़का क्वालिफाई कराए थे जस्ट फिजिकल के लिए। 21? हाँ 21 रिटर्न क्लियर कर पाए थे। हाँ और उसके बाद दो लोग अपना एक दिन में 2 शिफ्ट तो निकाल दो मिनिमम। नहीं देखो वहाँ पे जो है ना वो एयरफोर्स स्टेशन डिपेंड कर रहा है कितनी वहाँ खाली है क्या नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे गाजियाबाद में 42 सीट है टोटल HKS का, जिसमें 20 जनरल का और उसके बाद OBC SC ST वगैरह, तो वहाँ पे कम से कम तो 42 है तो समझ लीजिए 30-25 हजार को बुलाएंगे।
इतना आराम से लोग बुलाएंगे। अरे 1500 सीट है तो 1500 समझिए 5 लाख कैंडिडेट को लोग कॉल लेटर भेजेगा। काफी ज्यादा मतलब कंपटीशन है। हाँ कंपटीशन काफी ज्यादा है और डेट में बेरोजगारी बढ़ गया है। अब फिर से डेट भी बढ़ गए तो कैंडिडेट बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, सिंबल कट ऑफ भी बढ़ेगा। कट ऑफ भी काफी हाई जाने वाला है। हाँ सर कट ऑफ, और एक कट ऑफ वोटर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ वो भी सही है क्योंकि वो वो लोग सर रिटर्न हाँ उन वो पे सर डिपेंड करता है। हाँ रिटर्न डिपेंड उन्हीं पर करेगा, कट ऑफ भी उन्हीं को डिपेंड करेगा। वही लोग अपना ये करते हैं, कुछ बाहर लीक नहीं होने देते। और मतलब वो क्वेश्चन भी फिक्स नहीं है क्योंकि 50 डाले 100 डाले वो कितना हाँ ये करेंगे। उनके ऊपर करेगा, 50 क्वेश्चन सेट करे या 100 सेट करे, और कोई करंट अफेयर एक रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरे टाइम में भी करंट अफेयर नहीं था, करंट अफेयर लेकिन और पोस्ट पोस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं आते। नहीं पोस्ट नहीं नहीं जैसे मान लीजिए हम एचकेएस कहते हैं, एचकेएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। वहाँ आपको लूसेंट एसपीडी जो बुक भी पढ़ते हैं उस सबसे क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स जो रहता है उससे रहेगा। अच्छा लेकिन बुक आप बता सकते हैं कौन सी बेस्ट है इसके लिए? देखिए इसके लिए कोई फिक्स बुक नहीं है, आपको जो पढ़ते हैं सब कैंडिडेट अपना लूसेंट एसपीडी उसी से पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन तो सब उसी के रिलेटेड रहता है, तो वही सब जो नॉर्मल पढ़ रहे हैं वही पढ़ना होगा। नॉर्मल करेंगे तो भी हो जाए, अलग से कोई बुक लाने की क्योंकि मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हाँ है। जैसे हाँ एयरफोर्स एक्स वाई का बुक निकलता है, नेवी एमआर का निकलता है, एस एस आर का निकलता है, लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं है, सिविलियन का कुछ बुक बुक नहीं है, और इसमें कोई धांधली भी नहीं होती है, कुछ नहीं। मैं गया था 2018 में 2 सीट पे, तो मेरा दोस्त लोग बोला कि भाई मत जा, सब सेटिंग रहता है, बोला अपना आदमी ले लेंगे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, पूरा अच्छा फ्री एंड फेयर था। भाई इसके रिगार्डिंग काफी कमेंट आते हैं तो उनके लिए आप बता दीजिए क्या कहना चाहोगे। हेलो सर, हाँ किस टाइप का कमेंट सर? ये जो कि धांधली वाले ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर ऐसा होता है। नहीं सर वो ऐसा कुछ नहीं होता, मैं फिजिकल तक पहुंचा हूँ, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, और एग्जाम भी पूरा फ्री एंड फेयर होता है। ये लोग खुद मेरे दोस्त लोग सब बोलते थे कि सब सेटिंग रहता है, वो अपना आदमी पैसा देकर ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, वो लोग पूरा वो एकदम सब कुछ जो प्रोसीजर बोलने इस पे डिपेंड हाँ करता है। आपको आपको डिपेंड करेगा आपके रिटर्न का मार्क्स पे, बहुत बहुत पूरा जॉब भी डिपेंड करेगा रिटर्न का मार्क्स पे। अच्छा अब आगे रिटर्न के बाद में जो क्या होता है, हाँ सर सुनाई नहीं दे रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से बोले। रिटर्न के बाद में अब जो आगे क्या होगा? हाँ रिटर्न होने नंबर रिजल्ट आ जाएगा 10 दिन में, 10 दिन हम लोग आया था, 8 नवंबर को रिजल्ट आया था, और बाद सब में क्या लगता है कि 10 दिनों में आ जाएंगे इतने सारे तो कैंडिडेट? अगर प्रोसेस शुरू हुआ तो लोग कंप्लीट कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा 17 हम लोग का 17-18 नवंबर का एग्जाम था रिटर्न का, और 17 दिसंबर को हम लोग का फिजिकल हुआ, अच्छा और मेडिकल मान के चलिए वही हो गया हुआ दिसंबर तक, तो फरवरी तक ज्वाइनिंग करा दिया था। रिटर्न के बाद में फिजिकल करवाते हो, हाँ, कितने दिन के बाद वो कोलेटर भेज देते हैं? फिजिकल आपको एकदम टाइम लिया जाएगा, वो एकदम पूरा टाइम ली, 10 दिन 10-15 दिन का गैप लेगा। वैसे वही बाई पोस्ट आपका कोलेटर हाँ आएगा बाई ना? पोस्ट, हाँ बाई पोस्ट ही आएगा, पोस्टमैन लेकर आएगा। और मतलब फिजिकल के साथ स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं? फिजिकल में क्या क्या हाँ, करते पहले पहले फिजिकल में वो लोग आपको रनिंग कराएंगे, हैं? उसके रनिंग बाद भी आप फिक्स नहीं है कि मतलब कितनी करवाई जाएगी? हाँ, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस बार मान लीजिए कैंडिडेट ज्यादा रहा तो हो सकता है कि बोल दे 1600 मारा 7 मिनट में 8 मिनट में, या हम लोग टाइम तो 8 लिए थे। नहीं और वो भी टाइम भी फिक्स नहीं है इसमें? टाइम वो तो स्टॉप वॉच लेकर रखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का टाइम में 21 लड़के थे, तो अच्छा 10-10 का ये था, तो वहां पर 3-4 ऑफिसर थे, उन लोगों को बता दिया था कि इन इन लड़कों को तुम ध्यान रखना, इनको तुम सब स्टॉपवॉच लेकर हाथ में खड़े थे। जब फिजिकल शुरू हुआ, जब रनिंग शुरू हुई, तो वो लोग अपना नोटिस कर रहे थे कौन कितने टाइम में एंट्री कर रहा है, उसी हिसाब से वो जो स्टॉपवॉच के टाइमर के हिसाब से उन्होंने मेडिकल के लिए क्वालिफाई कराया। नंबरिंग नोट करते हैं मतलब रैंकिंग। हाँ, कितना टाइम में कौन एंट्री किया, कितना टाइम में कौन है, वहीं के बाद से मेरा नहीं क्वालिफाई कर पाया। अच्छा और उसके उसके बाद मतलब रनिंग के उसके बाद बाद 25 केजी का एक बोरा लेकर दौड़ाए थे, बालू बालू भर वही हाँ बालू भर के, वही लोग वहीं पर हम लोग से भरवाए, खुद से भरवाए थे, और फिर उसके बाद जो जो लड़का जिस स्टेट का था
हम लोग एचकेएस लेके चले गए, हमको लेके चले कैंटीन तरफ, कुछ को गार्डनिंग तरफ, वहाँ जो अपना स्किल स्कूल अपने करवाए, बैठा करके कुछ देर फिर कराए, फिर उसके बाद छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि जाओ स्किल टेस्ट में क्या क्या करवाया गया वहाँ, सब जो स्किल से रिलेटेड था, किसी को गार्डनिंग साफ करने को दिया, किसी को हम लोग को किचन तरफ ले गया, तो बोला वालों को तो यही देते है ना। हाँ हाँ, इसके स्वर को जो रही रहता है, एलडीसी वाले को टाइपिंग था, मतलब जैसा पोस्ट का नाम है वैसे कोडिंग उसकी। हाँ, वहाँ सबको बुलाएंगे एक ही दिन, ठीक है, जैसे मान लीजिए एसकेएस एमटीएस एलडीसी जो लड़का एक ही फॉर्म भरा है एक ही एयर फ्रस्ट्रेशन से, तो उसका 100% श्योर है कि उसका एग्जाम एक ही दिन पड़ेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई वाले के लिए फायदा है। हाँ, हो सकता है उसका लक अच्छा हो, तो जैसे आज मान लीजिए एलडीसी पर आता, हो सकता है सेकंड शिफ्ट आते अगले दिन एचकेएस एमटीएस मिल गया। अच्छा, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि 100% रेगुलर सब लाइन से बुला करके एक लाइन एचकेएस एलडीसी एमटीएस खड़ा करके अलग अलग रूम में ले जाके एग्जाम लेंगे, अलग अलग रूम में टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो होगा कराएंगे। स्किल टेस्ट वैसे नॉर्मल होता है या मीडियम साइज का? नॉर्मल होता है, उसमें कोई ये नहीं रहता, उसमें भी परफॉर्मेंस तो देखते ही हैं। हाँ हाँ, मैं एलडीसी का बता रहा हूँ, एक लड़का था जम्मू से आया था, पंजाबी था। अच्छा, वो 72 वर्ड पर मिनट मारा, 72। अब उसको ऑफिसर 185 दे रहा है, वहाँ पर 35-40 वाला हो, क्या होगा, कितने होगा। सही है, मतलब कंपटीशन यहाँ पर भी है। हाँ, अब जो 60 वर्ड 70 वर्ड मार रहा है उसको पहले लेगा या 35 वर्ड वाले को पहले लेगा सीरीज के बाद। सही है, मतलब एसएससी जीडी की तरह नहीं है कि आप रिटेन क्वालिफाई कर लिए, मेडिकल क्वालिफाई कर लिए, ऐसा नहीं था। सब कुछ मेंटेन करेगा इसमें, तो आपको हर कदम पे मतलब टॉप में रहना पड़ेगा। अच्छा, यही बात है, उसे स्किल के बाद होता है मेडिकल। हाँ हाँ, स्किल के बाद मेडिकल होता है, और आपका कुछ सर्टिफिकेट हम लोग चेक कर लिया था स्किल से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चेक करते हैं। क्लास 10 का सर्टिफिकेट चेक किया, डेट ऑफ बर्थ और आईडी प्रूफ। एक दो मतलब जिन्होंने माना है कि बर्थडे सर्टिफिकेट, तो उसके स्थान पे 10वीं की मार्कशीट लगाई है। हाँ, सीबीएसई वाले को, हम लोग तो सीबीएसई वाले थे, हम लोग तो मार्कशीट है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। नहीं होनी चाहिए। और हम लोग का टाइम में ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं मांगा था, जैसा अभी टेक्निकल सर्टिफिकेट मांगा है, एचकेएस का नहीं था, जिसका था उसका तो चेक किया होगा वो लोग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के लिए भेज दिया? नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कर लिया पहले, उसके बाद वो लोग ग्रुप में बांट दिया कि एमटीएस वाले किधर ले जाओ, एचकेएस वाले किधर ले जाओ, फिजिकल के लिए। अच्छा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग डाल। हाँ हाँ, वहाँ तो उन लोग का अपना 3-4 अंदर में ग्राउंड रहता है, वो लोग सब जगह लेके चले जाते हैं। अलग अलग ऑफिसर होते हैं उसमें? हाँ, सब लोग अपना अलग अलग होता है। उसके बाद मेडिकल के बाद घर भेज देते हैं। मेडिकल में क्या क्या करते हैं वो तो आपको बताऊं। मेडिकल होता है वही 10-15 दिन और फिर मेडिकल का कॉल लेटर भेजेगा वो लोग। मेडिकल कराएगा, उसके बाद जो फाइनल मेरिट आएगा उसमें अगर आपका नाम आया तो आप सिलेक्टेड हो, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसमें एक जो ट्रेनिंग भी होती है, आपको कुछ पता हो तो? नहीं, ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं बता सकता, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, लोग ट्रेनिंग देते हैं या फिर डायरेक्ट बुला लेते हैं, इसके बारे में कोई पता नहीं है। मतलब एडिट लिस्ट जो है वो सबको बेस्ट मान के ही की जाती है। हाँ हाँ, आप समझिए, आप जब भी जा रहे हो रिटर्न के लिए जा रहे हो तो समझ लो आपको मेरिट बना टॉप में रहना है, फिजिकल के लिए जा रहे हो तो उसमें भी टॉप में रहना है, मेडिकल के लिए जा रहे हो तो उसमें टॉप में रहना है, तब मेरिट में नाम आएगा। क्योंकि नेवी और जो एयरफोर्स है इसमें ओनली रिटर्न देखा जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, सीट कम है ना, मान लीजिए 2 सीट है, वहाँ 21 को बुलाया 25 को बुलाया, तो उसको 2 ही चाहिए, तो क्या करेगा। सही है, वो कैसे ना कैसे करके निकाल। हाँ, कहीं कहीं एक एक सीट है, तो वहाँ पर क्या करेगा। सही है, यही बात है। और जो लॉकडाउन में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या करना चाहोगे? देखिए, तैयारी तो हर लड़के कर रहे हैं क्योंकि अभी सबकी इकोनॉमी खराब है। बोल रहे लॉकडाउन के कारण एग्जाम नहीं होगा कि सर मैं तैयारी करूं या नहीं करूं क्या। सर देखिए, लॉकडाउन जैसे ही हटेगा ना तब एग्जाम शुरू होगा। लॉकडाउन
लॉकडाउन का इंतजार है। हाँ सर, जब अगर मान लीजिए किसी का एयरपोर्ट से कॉल लेटर आया और उसी समय ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो गया, वो लड़का क्या करेगा? सही है, पहले या फिर रखनी है। हाँ, या फिर डीआरडीओ एमटीएस वाला भी बाकी है, वो लोग 2 साल से बैठे हुए हैं। 2019 में आया था डीआरडीओ एमटीएस, 1 दिसंबर 2019 को वैकेंसी आई थी, आज तक एग्जाम नहीं हुआ। वो भी सही है। एग्जाम जब शुरू होगा सर, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको छोड़ना पड़ेगा। वो तो है, लेकिन काफी वैसे मतलब एक तो जो मतलब काफी फॉर्म भरे गए हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो एक तो कहीं ना कहीं तो बारी आ जाएगी। हाँ सर, और सबसे बड़ी बात इसमें इसमें यह है कि मान लीजिए कुछ कोई कैंडिडेट सोचे कि एक सीट के लिए क्या उतना दूर जाए, 2 सीट के लिए क्या जाए, वहाँ पर जो लड़का का अच्छा से तैयारी किया है उसको बेनिफिट मिलेगा। सही है, जो पहली बार देकर आ रहे हैं पेपर तो उनके लिए कुछ। देखिए, पहली बार वालों को तो यहाँ पर बहुत मुश्किल रहा मिलेगा, समझ लीजिए सर। मतलब यहाँ पर कंपटीशन हमेशा हाई रहेगा और पेपर भी पेपर टफ नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, कट ऑफ पर डिपेंड करेगा। एसएससी जीडी की तरह तो कुछ है नहीं, जस्ट नॉर्मल क्वालिफाई से हो जाएगा। वालों को तो सर पूरा तैयारी के साथ जाना होगा, आपसे भी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी जो पहले दे चुके हों, क्योंकि उनको तो काफी इंटरेस्ट है। हाँ हाँ सर, जैसे हम खुद मैं फर्स्ट टाइम में निकाला, उसके बाद में 2019 में रेलवे के फिर नहीं फॉर्म भरा, 20 में तो पूरा लॉकडाउन था, 21 में फॉर्म भरा हूँ। ये तो लॉकडाउन हो गया, वरना दो दो महीने के आसपास पेपर हो जाता ना। लॉकडाउन नहीं रहता तो जून में एग्जाम हो जाता। हम लोग का 16-17 जून का एग्जाम था बीदर वाला, कर्नाटका वाला, लगभग 2 महीने के बाद में हो जाता है फिलअप के बाद। हाँ, वो लोग ले लिया था, वो लोग मार्च में फॉर्म भरे थे, जून में ले लिया था। अच्छा, जून में ले लिया था बिदर वाला, और ये दिल्ली वाला को तो मेरा अक्टूबर में जाता, सितंबर अक्टूबर में। सर, अगर कॉल लेटर आ गया तो प्रोसेस इनको पूरा करने में 1 महीना 1.5 महीना लगेगा, 1.5-2 महीने में पूरा प्रोसेस पूरा कर देंगे लोग। हाँ, वो कि एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा वो। और पहले तो 257 जो पोस्ट आई थी गुजरात वाला, पहले तो उनका एग्जाम लेगा वो, मैच मिलाएगा नहीं, पहले उसका ले लेगा, उसके बाद ही इसका शुरू हो। सही है, क्योंकि इसकी तो डेट भी बढ़ गई है। हाँ, इसकी डेट भी बढ़ गया, उसका तो सब कुछ हो चुका था, वो तो नॉर्मल टाइम में सब कोई फॉर्म फिलअप किया जाता था, हो सकता है उसका पहले एग्जाम थे। अभी भी मतलब जो स्टूडेंट मानने को कहीं तैयार नहीं है कि डेट बढ़ी नहीं है, तो उनके लिए कुछ। तो सर वो तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में डाउनलोड करके देख सकते हैं, पेज नंबर 15 में दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो आपकी वेबसाइट पे तो कोई अपडेट देखने को मिलते ही नहीं है। नहीं, वेबसाइट पे सिविलियन का ये नहीं करता है, लेकिन रिजल्ट शो करता है, airforce.nic.in पे हम लोग का रिजल्ट शो कर दिया था। एक कैंडिडेट बहुत दूर दूर से आया था, उस टाइम में दिल्ली में टेम्परेचर था 6 या 7 डिग्री सेल्सियस 17 दिसंबर को। तो आपको वहाँ पे लड़का लोग नॉर्थ ईस्ट से आया था, सोचिए 1-2 सीट पे लड़का लोग नॉर्थ ईस्ट से आया था, कोई तेलंगाना से आया था, कोई हैदराबाद से आया था। दूर दूर से कैंडिडेट आते हैं। हाँ, दूर दूर से आते हैं, 2 सीट के लिए भी इतने कैंडिडेट आपको अच्छे, टॉप 21 है फिजिकल का टाइम। एक जो इसमें जो एससी एसटी वाले हैं, इन कैंडिडेट को कोई मतलब बेनिफिट देते हैं क्या? नहीं सर, कास्ट के बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, या इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है कि कास्ट वाले कैसे करते, क्योंकि मान लीजिए जनरल कैटेगरी का सीट है वहाँ पे एसटी का 0 है, कोई लड़का एसटी लेकर फॉर्म भर दिया तो पहले जनरल का सिलेक्ट होगा, एसटी का इस बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, कोई ना। हाँ, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का लेकर भी कई कैंडिडेट, क्योंकि जो क्या उसमें भी बेनिफिट मिलता है शायद वो, उसको सर फिजिकल से पहले हम लोग का डॉक्यूमेंट जब चेक किया था, हो सकता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उसी टाइम पर जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, जैसे कुक का या फिर आईटीआई से रिलेटेड, उनको उसी टाइम चेक करे, वहीं पे वो नोट कर लेते हैं। हाँ, वहीं बोलो नोट कर लेंगे। और जैसे एसएससी जीडी लास्ट में चेक करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के बाद, यहाँ वैसा नहीं, यहाँ फिजिकल से पहले ही देख लिया था लोग। एक चीज जो मतलब एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे, क्योंकि इससे बाहर तो मैटर जानने वाला है नहीं, क्योंकि इसका रिलेवेंट सिलेबस इसके साथ ही है एकदम। हाँ, ये देखिए एसएससी जीडी एयरफोर्स ग्रुप सी एमटीएस
सिलेबस तो वही है, इसी के अंदर सब मिल जाएगा। हाँ बस डिपेंड करेगा कि लड़का कितना तैयारी के साथ एग्जाम बैठा है और उसका कट ऑफ कितना तक क्लियर किया है। अच्छा यही बात है, जानकारी कंप्लीट हो गई होगी लगभग। हाँ सर, SSC GD सर उधर कट ऑफ आई जाता है, राजस्थान UP बिहार में हरियाणा में। हाँ इधर कम जाता है वो, क्योंकि यहाँ पे उतना ये नहीं है वहाँ की तरह। हाँ वो तो सही है। चलो फिर ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू और कुछ? सो मच। हाँ हाँ सर।